हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। जैसा कि आपने देखा था, मैंने पहली वीडियो में अपने फास्ट फिटनेस के बारे में बताया था, तो मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी और पसंद भी की होगी। आज मैं बताऊंगा वार्म अप के बारे में। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले, कोई भी वर्कआउट करने से पहले इंसान वार्म अप करता है, स्ट्रेचिंग करता है। एक्चुअली वार्म अप और स्ट्रेचिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। लोगों को, कुछ लोगों को पता नहीं होती, एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं, वार्म अप करते हैं, या दोनों को कभी कभी मिक्स कर देते हैं। तो आज मैं सिर्फ वार्म अप के बारे में बात करूँगा। स्ट्रेचिंग की भी वीडियो बनाऊँगा, पर वो नेक्स्ट टाइम। आज मैं सिर्फ वार्म अप के बारे में बात करूँगा। तो कितने तरह के वार्म अप होते हैं, कितने तरह के कर सकते हैं। एक्चुअली होते तो बहुत सारे हैं, बट मैं सारे तो एक साथ नहीं बता सकता। तो कुछ वार्म अप्स की एक्सरसाइज बताऊँगा जिनको करने के बाद आपके बॉडी में वार्म अप काफ़ी अच्छा हो जाएगा, गर्म हो जाएगी और आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो वार्म अप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको एक सारी एक्सरसाइजेस 30 से 40 सेकंड्स में करनी है। ज़्यादा टाइम के लिए हम वार्म अप करते भी नहीं है, ताकि फिर एक ही चीज़ अगर करते रहेंगे तो दिक्कत बन जाती है। तो हर एक एक्सरसाइज आप 30 से 40 सेकंड्स तक करें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमें, मैं आपको बताऊंगा, वो है, उसका नाम है वॉकिंग हाई नीज। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करते हैं वो बताता हूँ। तो ये हमने करी थी वॉकिंग हाई नीज। इसके बाद करेंगे वॉल लेटरल पुल डाउन, देखते हैं वो कैसे करते हैं। Go. So, अभी जो हमने एक्सरसाइज करी उसका नाम था वॉल लेटरल पुल डाउन। ये भी आपको 30 से 40 सेकंड्स तक ही करनी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इंच वॉर्म्स। जो हमने वर्कआउट की उसका नाम था इंच वॉर्म्स। अब करते हैं एसएल रीच फुट लेफ्ट साइड। यही वर्कआउट को आप वाइस वर्सा कर दीजिए 30 से 40 सेकंड्स तक। तो ये थी एसएल रीच फुट लेफ्ट और राइट दोनों साइड। अब मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसका नाम है कैट काउ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज हमने की इसका नाम था कैट काओ। एक पोजीशन में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो कैट की पोजीशन में होते हैं, और जब ऊपर आते हैं तो काओ की पोजीशन में होते हैं। इसलिए इस वर्कआउट का नाम है कैट काओ। काफ़ी आपके बैक शोल्डर्स के लिए, क्लेविकल बोन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अब इसके बाद करेंगे मेरी फेवरेट एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, नॉर्मल एक्सरसाइज है, क्लैप जैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज थी इसका नाम था क्लैप जैक्स। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो अब हमारा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है, अब हम वर्कआउट करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं, और आप मेरी बताई हुई वार्म अप को ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? तो चलते हैं।